नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपसी विवाद को लेकर चाचा भतीजे की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में तनाव। सफाई कार्य में जुटे निगम कर्मियों के साथ पुलिस ने की मारपीट, घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। नवगछिया पहुंचे कमिश्नर ने अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। हॉस्टल के छात्रों ने प्रशासनिक भवन में जमकर किया हंगामा, बैकफुट पर आया टीएमयू प्रशासन। और नशे के सौदागरों के खिलाफ एकजुट हुए मोहल्ले वासी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बाढ़ जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र स्थित जमालपुर बढ़ैया में आपसी विवाद के कारण भाला से मारकर चाचा भतीजे की हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का आरोप मृतक के परिवार बालों पर ही लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक भतीजा रोशन जब अपनी जमीन पर गया तो उसके गोतिया ने भाला से हमला कर दिया, जिसे बचाने गए चाचा को भी हमलावरों ने मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में भतीजा की मौत रास्ते में हो गई, जबकि चाचा की मौत अस्पताल पहुँचने के बाद हो गई। इधर घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। देखिए, अभी तक जो सूचना आई है हम लोगों के पास, ये बढ़िया गांव है और यहाँ पर दो गोतियाँ हैं, इनके बीच ज़मीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट और इसकी घटना हुई थी। इसमें भाला का प्रयोग कर दिया था और हमको लगता है कि पहले वहाँ से लोकल हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद यहाँ बाढ़ आए हैं। तो काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी, इनमें से एक तो ब्लड डेड है यहाँ पर और दूसरी का यहाँ पर देहांत हुआ है। तो इस प्रकार से दो लोगों का देहांत हुआ इस घटना में और इसमें हम लोग छापामारी लगातार कर रहे हैं। प्राथमिकी के लिए आवेदन इन लोगों से लिया जा रहा है। अभी जो हम लोग की कार्रवाई है उसमें इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की कार्रवाई लोग कर रहे हैं। नाथनगर भागलपुर मुख्य सड़क मार्ग पर केवी लाल रोड के पास गुरुवार को सफाई कार्य में जुटे निगम के ट्रैक्टर चालक और सफाई कर्मियों से मारपीट के मामले में नाथनगर पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार की सुबह निगम के सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मियों के साथ कई पार्षद एवं सिटी मैनेजर रवीश कुमार नाथनगर थाना पहुंचे, जहाँ थाना परिसर में बार बार आक्रोशित सफाई कर्मियों द्वारा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई और सभी दोषी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते दिखे। वहीं इस दौरान निगम के स्थानीय जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय स्थापित कर मामले को शांत कराने की कोशिश में लगे रहे। बता दें कि कल की घटना के बाद 1 से 13 नंबर वार्ड तक निगम के सफाई कर्मियों ने काम ठप कर दिया है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सभी 51 वार्डों में सफाई कार्य ठप करने की चेतावनी भी दी। दरअसल कल का दिन था, दोपहर 2:30 बजे के करीब हमारा एक सफाई कर्मी है ऋषि जी अपना वो गाड़ी लगा करके कूड़ा उठा रहे थे। जिस तरह का आदेश मिला उसको कूड़ा उठा, कूड़ा उठाने के क्रम में हल्का सा जाम लग गया होगा। तो उसी बीच में थाना प्रभारी जो सज्जाद हुसैन जी हैं, ऋषि जी के अनुसार कहना हुआ कि सज्जाद हुसैन जी जो है थाना प्रभारी, वो आए उसको गाली गलौज करते हुए उसको घसीट करके वहीं पर पीटना शुरू किए और घसीट करके उसको थाना ले आए। थाना ले आने के बाद भी उसको लाठी डंडा से पीटा गया, जैसा उनका कहना है। उसके बाद जो है धमकाया भी गया कि हाँ, अगर तुम किसको किस बाप को बुलाना है तुमको बुला लेना, या फिर जहाँ जाना है तुमको चले जाना, तुम लोग नगर निगम का अभी तुमको काम करने का रात में क्यों नहीं करता है। तो इस तरह का वाक्य। तो आज हम लोग ये है कि कल तो हम लोग गए थाना प्रभा SC ST थाना, वहाँ पे लिखित सूचना देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा, महेश लाल राम जी ने कहा कि हमारे वरे पदाधिकारी का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम ये केस नहीं लेंगे। उसके बाद जब SSP महोदय के पास गए तो वहाँ चूंकि लेट हो गई थी, तो उन्होंने आज 10 बजे यहाँ बुलाया था अपने आवास पे, मतलब उनके गार्ड के द्वारा कहा गया कि 10 बजे आप आइएगा। उसके बाद हम लोग 10 बजे यहाँ CT SP साहब यहाँ हैं नाथनगर थाना में। हम लोग कल ही मन बना लिए थे कि आज हम लोग जो है थाना का घेराव करके और पूरे एक नंबर जोन का जो 1 से लेकर 13 वार्ड तक आता है उसका सारा सफाई कर्मी मिल करके थाना का घेराव करेंगे और सज्जाद हुसैन जो
थाना प्रभारी ऐसे मनबड़ू जो है हिटलर शाही थाना का प्रभारी के खिलाफ हम लोग जो है बर्खास्त का एक उचित कार्रवाई करते हुए कानूनन कार्रवाई करते हुए बर्खास्त का मांग। कल नगर निगम का जो ट्रैक्टर है उसका ड्राइवर कहीं ट्रैक्टर आके कचरा उठा रहा था, इसी बीच में पदाधिकारी जा रहे थे, कुछ बोलने पड़े, कुछ बोले ज़्यादा कुछ बोले होंगे, तो उस पर फिर क्या हुआ कि वो ट्रैक्टर को हटाने के लिए कहा गया तो ट्रैक्टर को हटाया नहीं बल्कि दो चार कदम आगे बढ़ा के बीच रोड पे ही ट्रैक्टर को लगा दिए। और लगाने के बाद ये ट्रैक्टर से उतर के भाग गया, जिसके कारण उसे जान लग गई। उसके बाद उसको थाना लाया गया था, जैसा पता चला थाना लाया गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन ये आज ये लोग थाना पर पहुँच गए थे, बोल रहे थे कि हमको बहुत पिटाया है, मारा है, जिसके कारण इन लोगों द्वारा एक आवेदन दिया गया है आपको। ऋषि कुमार नाम है ड्राइवर, उसका नाम ऋषि कुमार दास नाम है, उन्होंने आवेदन दिया है और थाना प्रभारी पर ही आरोप लगाया है कि हम मारा पिटा गया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम उसकी जाँच करके कार्रवाई करते हैं। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे गुरुवार को नवगछिया अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने डीडीसी प्रतिभा रानी के साथ अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान नवगछिया पहुंचने पर आयुक्त को अनुमंडल कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इसके बाद आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल और नवगछिया DCLR प्रमाणन शाह समेत कई अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश भी दिया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में गुरुवार को एक बार फिर पीजी हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने प्रशासनिक भवन के कर्मियों को विभिन्न शाखाओं से बाहर निकाल दिया और अपनी मांगों के समर्थन में रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव के कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों के सामने नारेबाजी भी की। आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान छात्रावासों को बंद कराया गया था, लेकिन उस दौरान का भी TMU प्रशासन फीस माफ नहीं कर रहा है। इधर पीजी छात्रों के आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। वहीं DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, CCDC प्रोफेसर KM सिंह और प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल ने छात्रों से वार्ता की। रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के निर्देश पर सत्र 2018-20 के छात्रों का छात्रावास शुल्क कोरोना महामारी के मद्देनजर 8 महीने का माफ कर दिया गया है। वहीं छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार, छात्र नेता लालू यादव, कृष्ण बिहारी गर्ग समेत कई छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया है। धन्यवाद देना चाहते हैं भाइयों को। हम लोग का आज तीसरा दिन आंदोलन में स्थायी टीसी लेके मांगते हैं और हॉस्टल के जो 17-19 के सत्र का जो फीस माफ किया गया था और 18-20 सत्र वाले के लिए हम लोग आए थे, फिर आज भी बंद करवाते हुए रजिस्ट्रार सर के ऑफिस पहुंचे। रजिस्ट्रार सर मीडिया सभी मामले हॉस्टल से संबंधित सभी हॉस्टल लिया जाएगा। कोरोना पीरियड में मार्च, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्च 20 और अक्टूबर या शायद नवंबर तक कोरोना के कारण हमारा पूरा महाविद्यालय, पूरा विश्वविद्यालय ठप था। उस पीरियड में इन लोगों को हॉस्टल खाली करवाया गया था, तो 17-19 के सेशन के छात्रों का हॉस्टल फी ऑलरेडी माफ हो चुका था। उसी सिलसिले में ये 18-20 के छात्र हैं, तो उसी के समतुल्य ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का भी फी माफ नहीं नहीं उसमें एक चीज़ और फी माफ हो, है ना। हालांकि इन लोगों ने ऑलरेडी उस पीरियड का फी ऑलरेडी जमा कर चुका है, तो उसके समाधान के लिए उस फी को हम लोग माननीय कुलपति महोदय से वार्ता कर बात करके ऑर्डर लेके उसको एडजस्ट करके इन लोगों को फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया हम लोग कर। भागलपुर में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। शराबबंदी में सख्ती के बाद अब लोग स्मैक, गांजा और कफ सिरप के साथ सूखे नशे का सेवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर के प्रतिष्ठित घरानों से ताल्लुकात रखने वाले स्कूली बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से ऑपरेशन नवचेतना के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं विफल साबित होता दिख रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को खीरीबांध पंचायत के भैरवपुर गाँव में नशा मुक्ति अभियान के तहत मुखिया अजय राय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव के कई युवा बुजुर्ग
एवं महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत उप महापौर राजेश वर्मा ने की। इस दौरान राजेश वर्मा ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जिन्हें आगे बढ़कर एक नया मुकाम हासिल करना है, वे लोग ब्राउन शुगर जैसी नशीली पदार्थ की गिरफ्त में हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत इस कदर बढ़ गई है कि लोग घर के जेवरात बेचकर भी इसका सेवन करते हैं, जिसमें अधिकतर युवा पीढ़ी शामिल है। राजेश वर्मा ने कहा कि पुलिस सिर्फ कार्यवाही के नाम पर छोटे लोगों को पकड़ती है, जबकि असली सरगना पैसे देकर खुलेआम ड्रग्स की खरीद बिक्री करता है। साथ ही कहा कि इनका नेटवर्क इतना लंबा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करे तो पुलिस केस करने वालों पर ही उल्टे कार्यवाही करती है। ऐसे में इस नशे के जंजाल से निकलने के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा। राजेश वर्मा ने पूरे भैरवपुर समाज से एकत्रित होकर नशे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की। वहीं मुखिया अजय राय ने भी उप महापौर की बातों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले लोगों को जड़ से समाप्त किया जाए। वहीं अंशु मेडिकल के संचालक बंटी झा ने कहा कि अब नशे का कारोबार करने वाले उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वह काफी भयभीत हैं। साथ ही कहा कि हबीबपुर थाने को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके पर संजय मंडल, अरुण कुमार समेत समाज के बुद्धिजीवी मौजूद थे। काम कर रहा उसको खदेड़ने का हम लोग काम करें, और जब इन लोगों ने इसकी शुरुआत की तो बहुत हद तक इसका अंजाम भी देखने को मिला। जब गांव के पहला ये बिहार का ऐसा गांव होगा जहां पर 200 लोग रात में जगकर खुद से गश्ती देते हैं और वैसे नशा के कारोबारी जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनको खदेड़ने का काम करते हैं। इन्होंने लगभग 10 से ज़्यादा परिवार के बच्चों को नशा से मुक्त कराया है, और आज जब ये धीरे 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 पूरे गांव में ये अभियान फैल गया है तो जितने ऐसे गिरोह हैं जो ऐसा नशा बेचने वाले हैं वो इंटरनेट कॉलिंग करके इन लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अलग अलग तरह के थ्रेटनिंग दिया जा रही है। जब इसकी जानकारी मिली तो इनके साथ हम लोग SSP साहब के पास गए, उनके संज्ञान में तमाम बातें दी गई, और जब उनके संज्ञान में बातें दी गई कि जो थाना है उसके जानकारी में होने के बावजूद इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और जब थाना को बुलाया जाता तो थाना वक्त पर वहाँ मौजूद नहीं होता है, तो उसके बाद SSP साहब के फटकार के बाद नतीजा ये हुआ कि उल्टा ही थाना के तरफ से इन्हीं लोगों के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया, जिसमें तमाम लोगों का नाम और साथ में हमारा नाम भी दर्ज कर दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा नाम दर्ज अगर किया भी गया है तो कम से कम वो नाम दर्ज इसीलिए किया गया है कि हम लोगों ने नशा मुक्ति को लेकर और कुछ परिवारों को और आने वाली पीढ़ी को बचाने को लेकर हम लोग नशा मुक्ति अभियान में इनके साथ जुड़े हुए हैं। मौसम के बदले मिजाज के बाद जहां जिले और आसपास के इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तेज हवाओं और आंधी तूफान के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तेज धूप और गर्मी के बीच के अचानक मौसम में बदलाव के आई कुछ देर की बारिश में ही भागलपुर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जबकि विश्वविद्यालय क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक ओर जहां शहर की सड़कें पहले से बदतर हालात में हैं, वहीं बारिश के बाद पूरी सड़क कीचड़मय और फिसलन भरी हो गई है, जो राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि तेज हवाओं और हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
भागलपुर के नवगछिया में एक विवाह समारोह के दौरान गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल डांस करते नजर आए थे, जिसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गोपाल मंडल ने कहा कि वह शुरू से कलाकार रहे हैं और संगीत के प्रति उनका काफी रुझान भी है। विधायक ने कहा कि जब कहीं भी अच्छी धुन सुनाई देती है तो उनका पैर और मन अपने आप ही थिरकने लगता है। साथ ही कहा, शादी समारोह के दौरान अच्छा गाना बज रहा था और कुछ बच्चों ने डांस करने का प्रस्ताव रखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और डांस करने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी नर्तकी के साथ तो डांस नहीं कर रहे थे, जिसे गलत कहा जा सके। बता दें कि जदयू विधायक प्रदेश की प्रसिद्ध फिल्म खगड़िया वाली भौजी फिल्म में भी अहम किरदार निभा चुके हैं। देखिए, हम कलाकार पर्दे पर का कलाकार आदमी है। कुणाल जी बैठे हुए बगल में, हम कुणाल जी खगड़िया वाली भौजी बनाए थे। हम आज से संगीत का प्रेमी नहीं है, तो जहाँ धुन धुन बढ़िया देखते हैं हम डांस करना शुरू कर देते हैं। इसको बीमारी कहिए, अल्लाचारी कहिए, जो व्यवस्था कहिए, तो पर्दे पर का हम कलाकार हैं। अब बच्चा बुतरू घींच लिया, टाल लिया, अंकल जी डांस किए तो करो डांस बच्चे। हाँ, उसमें अगर लड़की औरत सबको देखे होंगे तब हम दोषी हैं, ये तो हमारा काम है। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचरण ने की। ईद मिलन समारोह में छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व DSW प्रोफेसर योगेंद्र महतो, डॉक्टर मनोज मिता, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। वहीं समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता और तकी अहमद जावेद ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता और सर्वधर्म समभाव विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। साथ ही कहा कि वर्तमान परिवेश में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। ईद मिलन समारोह में डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, इनुल हुदा, रिजवान खान, संजय कुमार, वासुदेव भाई समेत कई लोग मौजूद थे। आज गांधी शांति प्रतिष्ठान समन्वय समिति और भागलपुर के सामाजिक संगठनों के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति लगातार किया जा रहा है। शहर में अमन चैन हो, देश में खुशहाली हो, भाईचारा हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो और सभी धर्मों के बीच में आप तालमेल हो, इसके लिए हम लोग बराबर अमन चैन का पैगाम देने के लिए ईद मिलन समारोह और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आज गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में समाज को अमन और शांति के लिए ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। विधिवत इसके पहले भी हम लोगों ने गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक मिसाल कायम किया है, रमज़ानुल मुबारक के शुभ अवसर पर, जो हम लोग बहुत ही अच्छा शहर के लिए, शहर की अमन शांति के लिए सभी धर्म के को लोगों को इकट्ठा कर करके हम लोग अमन और शांति भागलपुर में मिसाल कायम करने जा रहे हैं, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा भी गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम होने जा। भागलपुर सुल्तानगंज के तिलकपुर ठाकुरबाड़ी के पास 20 साल पुराने बाबू क्रमन महतो द्वार को SP सिंगला कंस्ट्रक्शन की गाड़ी ने अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के वक्त सिंगला कंस्ट्रक्शन के तेज रफ्तार बड़े वाहन ने अनियंत्रित होकर तिलकपुर ठाकुरबाड़ी के समीप गाँव जाने रास्ते पर बने द्वार को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसने गाँव जाने वाले कई लोग हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जो था पी के रात में ही जा रहा था, उस समय पहले आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है यहीं पे, लेकिन वहां बचा। उसके बाद देखिए यहां पे डायवर्सन है आपके सामने में, गलत डायवर्सन, यहां पे जो है ना यहीं पे गिर जाता है, एक्सीडेंट होता पहले गाड़ी का, लेकिन यहां से बच के गया और वहां पे पुल जो है उसको बोलते रह गया कि भाई लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो जो है गेट को उखाड़ते हुए चला गया। पीरपैती के ज्ञानोदय शिशु सदन शेरमारी में BR इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का शुभारंभ कहलगांव के विधायक पवन यादव ने फीता काट कर किया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर BK राय, फाउंडर ऋतिक राय और प्राचार्य शैलेश कुमार ने बताया कि संस्थान में BEd
डीएलएड, जीएनएम, बीएससी, नर्सिंग समेत कई तरह के कोर्स की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि विद्वान शिक्षक के द्वारा यहां छात्र छात्राओं की कक्षा ली जाएगी, जबकि फैकल्टी की ओर से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पढ़ाई की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इच्छुक छात्र छात्रा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। मुख्य रश्मि कुमारी, पप्पू साहब, विनोद कुमार सिंह, भाजपा नेता हरेराम शर्मा सहित काफी संख्या में छात्र शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षाविद मौजूद थे। ये इंस्टीट्यूट खोलने का खास मकसद ये है कि कोरोना काल में काफ़ी स्टूडेंट इधर से उधर भटके हैं, अपना लोकल में एक खुलेगा तो हमारा जो लोकल के बच्चे हैं वो आएंगे, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इसलिए इसको हमने खोला है। और इसमें जो पढ़ाई होगी बीएससी, नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम का कोर्स है, बीएड, डीएलएड का कोर्स। तो ये संस्था खोलने का हमारा मेन मकसद है और हमारी संस्था भागलपुर में चल रहा है और ये बीएड, डीएलएड, जीएनएम, नर्सिंग की यहाँ पर पढ़ाई की सुविधा हो गई है, जो कि पिरपैंती का पहला संस्था रहा और आगे लंबा दिन चलेगा भी। बीआर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर हमारे बीएड के दो वर्ष की पढ़ाई होगी, जीएनएम की होगी, एमएम की होगी, बीएससी की होगी, जिसमें हमारे समीर चाचा ही संस्थापक हैं। उपस्थित तमाम लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जितने भी छात्र छात्राएं हैं, पीरपैंती प्रखंड में बहुत ही दूर बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पर, लेकिन यह फर्स्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खुला हुआ है और मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी हुई कि इंस्टीट्यूट का खुलना यहाँ पर अत्यंत ही जरूरी था और हमारे बच्चे छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के भिरखूट पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्रों को बेरहमी से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर भिरखूट पंचायत के सरपंच उदित नारायण मंडल ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक निपेंद्र कुमार छात्रों को हर समय पीटते रहते हैं, जिसकी जानकारी उन्हें छात्र बादल कुमार और आकाश कुमार के द्वारा दी गई, जिसके बाद सभी छात्र के अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षक से छात्रों के साथ मारपीट के बारे में बातचीत की। वहीं शिक्षक ने छात्रों पर शरारत करने का झूठा आरोप लगाया, जबकि शिक्षक द्वारा सभी छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार और प्रताड़ना दी जाती है, जिससे शिक्षक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही कहा कि स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उक्त शिक्षक बीमार है और सभी छात्रों के साथ जानबूझकर मारपीट कर अपनी दबंगई स्कूल में कायम रखने की कोशिश करते हैं। वहीं इस तरह की गतिविधि के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक निपेंद्र कुमार का तबादला करने की मांग की। साथ ही इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, प्रमुख बिंदु देवी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा देवी को आवेदन देकर स्कूल का निरीक्षण करने और दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शिक्षक निपेंद्र कुमार का तबादला नहीं किया जाएगा तो स्कूल में तालाबंदी कर दी जाएगी। बहुत सभी मतलब छात्रों को जो है पीटा है। कौन पीटा है? शिक्षक वहाँ का। कहाँ का? जो उस विद्यालय का। कौन से विद्यालय? मध्य विद्यालय, उत्कर्मित मध्य विद्यालय गाड़ी गाड़ी का शिक्षक। क्या नाम है? निपेंद्र कुमार। और मारा वही है और जो है टाइम पर एक भी विद्यालय में जो है उपस्थित नहीं होते हैं। शिक्षक कितने बच्चों को मारे हैं? वह जो है 7-8 बजे के बाद आते हैं। स्कूल का मामला है, आज से 5 दिन पहले बच्चे को पहले तो पूरा पिटाई करके कहीं हाथ फाड़ दिया, किस बच्चे को बहुत कुछ हो गया। आज हम लोग गांव में थे नहीं, बाहर थे, जब आए गांव तो पता चला कि आज मास्टर ने बच्चे को, हर बच्चे को पिटाई किया। फिर आज 6 तारीख को हम लोग आए स्कूल के चेक में तो कई मास्टर देखे 7-7:15 बजे तक स्कूल में इन किया और इसमें 3-4 मास्टर अभी उपस्थित नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज के दक्षिणी जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल ने जन समस्याओं एवं पार्टी की मजबूती को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व मंत्री भीषण पटेल, विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से मुलाकात कर गहन चर्चा की। इस दौरान जिला परिषद के प्रतिनिधि मुन्ना जायसवाल, कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार महतो, भोला पासवान, कुणाल किशोर उर्फ टिंकू सहित कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपसी विवाद को लेकर चाचा भतीजे की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में तनाव। सफाई कार्य में जुटे निगम कर्मियों के साथ पुलिस ने की मारपीट, घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी।
नवगछिया पहुंचे कमिश्नर ने अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। हॉस्टल के छात्रों ने प्रशासनिक भवन में जमकर किया हंगामा, बैकफुट पर आया टीएमबीयू प्रशासन। और नशे के सौदागरों के खिलाफ एकजुट हुए मोहल्ले वासी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।